फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सबका आपके YouTube चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और आज का ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो BCA, BTS और BDP यानी BA BCom BSc प्रोग्राम में दाखिला ले रखे हैं, और साथ ही साथ जिन्होंने BAG BCom जी और BSc जी प्रोग्राम में एडमिशन ले रखा है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो के माध्यम से हम FEG 1 और इसका जो नाम बदल के अब हो गया है BEGF 101 फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश, ये था जो BDP, BCA और BTS के बच्चे हैं उनके लिए ये पेपर था। और जो नए वाले बच्चे हैं जो BAG, BCom जी और BSc जी में दाखिला ले रखे हैं उनके लिए एक नया कोर्स आया है BEGLA 135। जी हाँ, BEGLA 135 इंग्लिश इन डेली लाइफ। तो ये जो कोर्स है ये भी पूरी तरह से इसी पे आधारित है, यानी कि ये भी फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश ही है। तो ऑलरेडी इसके वीडियो लेक्चर्स हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं और अभी इस पे कंटिन्यू वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे किस तरह के क्वेश्चन इस प्रोग्राम में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें काफ़ी मदद मिल जाएगी जो नए वाले विद्यार्थी हैं BAG, BCom जी, BSc जी के, जिन्होंने BEGLA 135 को ऑप्ट कर रखा है। और साथ ही साथ जो पुराने बच्चे हैं BCA, BTS और BDP के, उन्हें भी पता चल जाएगा कि जो एग्ज़ाम होता है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम होता है 2 घंटे का पेपर होता है और इसमें 50 नंबर मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, यानी 50 मार्क्स का ये 2 घंटे का पेपर होता है। और कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक तो पैराग्राफ दिया हुआ होता है, और जब हम वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा रहे थे BEGLA 135 तो उसमें भी हमने आपको ये चीज़ बताई थी कि एग्ज़ाम में आपके पास कोई टॉपिक पे पैराग्राफ दिया रहेगा और फिर उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी जिसको आप अनसीन पैसेज बोलते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पैराग्राफ के बाद कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आइए देखते हैं। तो ये पैराग्राफ है जो कंटिन्यू चल रहा है और इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गिव एन अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज, यानी कि ऊपर दिए हुए पैसेज पे ही आधारित कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए जाते हैं। तो इन पेपरों में मार्क्स अच्छे लाने के लिए आपको इंग्लिश की जो रीडिंग और राइटिंग दोनों पे फोकस करना होगा, अपनी बैकअप ओनली को स्ट्रांग करना होगा। तो ये चूंकि जो क्वेश्चंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैराग्राफ हैं, आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, उसका अर्थ समझना पड़ेगा और इससे पता आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज के प्रति वो आकलन किया जाता है कि आप चीज़ों को कितना समझ पाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं पैराग्राफ के बाद और इनको सॉल्व करना होता है। चलिए फिर आगे चलते हैं और इसी सेक्शन में ही जो आपने ऊपर पैराग्राफ पढ़ा है उसी पे आधारित कुछ ट्रू और फॉल्स के भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बेसिकली इसका जो उद्देश्य होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, ये देखना होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज के प्रति कितनी है, चीज़ों को आप कितना समझ पाते हैं, इंग्लिश में जो चीज़ें लिखी हैं उसको आप कितना अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो उस पैराग्राफ पे ही आधारित कुछ यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं और आपको बताना है ये बात सही है या गलत है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एवर पैराग्राफ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे अब ग्रामर वाला पार्ट आ गया, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और नीचे लिखा हुआ है कंबाइन द एबव सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस यूजिंग विच। तो जब हम BEGLA 135 का लेक्चर कर रहे थे तो उसमें हमने आपको W से चालू होने वाले जो वर्ड हैं उनके प्रयोग के बारे में बताया था, जिसमें विच था, वाट था, हु था, हुम था। तो ये क्वेश्चन बेसिकली वहीं से लिया गया है। नेक्स्ट, राइट द करेक्ट वर्ब फॉर्म। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वर्ब का आपको करेक्ट फॉर्म लगाना है, यानी कि ये पूरा इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है, वर्ब की आपको जानकारी होनी चाहिए, वर्ब के फॉर्मों के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आती है, कहाँ पे सेकंड फॉर्म आती है, कहाँ पे थर्ड फॉर्म आती है। तो ये चीज़ें आपको आपकी बुक में दिया हुआ है, वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है, एक सेंटेंस दिया हुआ है इसको आपको प्रश्नवाचक वाक्य में चेंज करना है। देन नेक्स्ट में वॉइस, चेंज द वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपने सुना होगा, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। इनडायरेक्ट स्पीच में करना है, नरेशन आपने पढ़ा होगा, तो जो नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है उसमें इनडायरेक्ट स्पीच आपको करना है। और लास्ट में एक ज्वाइन यूजिंग ए कंजक्शन, किसी एक कंजक्शन का प्रयोग करके इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ना है। तो इसके बारे में भी हमने इस वीडियो में पढ़ा था BEGLA 135 में कंजक्शन कौन से होते हैं, किस तरह से उनको जोड़ते हैं।
तो ऑलरेडी ये चीज़ें हमने आपको बताई हैं, और अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाए। और ये वीडियो कहाँ मिलेंगे, प्लेलिस्ट में आपको जा करके BEGLA 135 सर्च करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, देयर कुड बी मोर देन वन मिस्टेक इन ईच सेंटेंस। तो ये भी बेसिकली ग्रामर के ऊपर ही है, और यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल एरर हो सकती है इन सेंटेंस में, तो उन सेंटेंस को आपको करेक्ट करके लिखना है। और ये ग्रामर में हर तरह की चीज़ आती है, उसमें आपका स्पेलिंग का भी है, वर्ब का भी है, हर चीज़ यहाँ पे आपको देखना है। आर्टिकल भी आता है, कंजक्शन भी आता है, एडजेक्टिव भी आता है, तो इस तरह से ये ग्रामर के आधार पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देन लास्ट में एक आपको ऐसे लिखना होगा, ये बिल्कुल सॉलिड नंबर होते हैं। अगर आपने पहले से ऐसे प्रिपेयर कर रखा है तो 200 वर्डों में 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, 50 मार्क्स का आपका पेपर होता है, तो एक बड़ा मार्जिन आपका यहाँ से निकल जाएगा अगर आपने पहले से ऐसे प्रिपेयर कर रखे हैं। और ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो टाइटल्स हैं, या जिन पे आपको निबंध या ऐसे तैयार करना है, वो यहाँ पे जो दिए हैं वो मैं बता देता हूँ। ए डे इन द लाइफ ऑफ ए कॉलेज स्टूडेंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी ईटिंग है, लाइफ इन द 21st सेंचुरी है, एन एडवेंचरस हॉलीडे है। तो ये कुछ ऐसे टाइटल्स हैं जो लगभग हर साल आते हैं, रिपीट होते रहते हैं। कोई आप अभी मैं आपको और आगे के जो क्वेश्चन पेपर हैं अगले एग्जाम को वो भी दिखाऊंगा, तो उसमें भी ये टॉपिक आपको मिलेंगे। तो आप इनमें से देख लीजिए जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो, उनमें से कम दो पे आप पहले से ही प्रिपेयर कर लीजिए, इजिली आप इसको कर पाएंगे। इसी तरह से राइट ए डायलॉग इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। अब यहाँ पे एक सिचुएशन दी हुई है और उस सिचुएशन के आधार पर आपको डायलॉग राइटिंग करना है। तो जैसे फिल्मों में होता है, डायरेक्टर स्टोरी बताते हैं और उसके बाद फिर डायलॉग लिखा जाता है, सेम वही सिचुएशन है। तो इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने आपको बताया था BEGLA 135 के लेक्चर के दौरान, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो एक सिचुएशन दी हुई है, इसको आपको पहले समझना है और उसके बाद इसको बढ़ा के इस पर डायलॉग लिखना है। तो यहाँ पे और करके भी दिया हुआ है, यानी दो अलग अलग सिचुएशन दी हुई है, दो में से कोई एक करना है। तो जो हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया, ये बेसिकली हमने जो दिसंबर 2018 में एग्जाम हुआ था उस पर आपको बताया। और ये जो इम्पोर्टेंट है, ये BEGLA 135 के जिन्होंने ले रखा है, जो नए वाले बच्चे हैं BA, BCOM, BSc, और साथ ही जो पुराने बच्चे हैं BA, BCOM, BSc, BCA, BTS प्रोग्राम के, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं एक और क्वेश्चन पेपर इसी कोर्स का उठा रहा हूँ, ये है दिसंबर 2017 का। तो आपको और भी चीज़ें जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगी, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पैटर्न रिपीट होता है, सेम 2 घंटे का पेपर, 50 नंबर का पेपर, एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इसके बाद इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसा कि पहले पेपर में था। तो मैंने ये आपको बताया कि अगर आप एक बार इसके एग्जाम का पैटर्न समझ जाएँ, क्वेश्चनों का प्रकार समझ जाएँ, तो इजिली आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्जाम की, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें पहले पैराग्राफ दिया और उसके बाद ट्रू फॉल्स पहले दे दिया, क्वेश्चंस बाद में आएंगे। तो आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है, उसका मतलब समझना है और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये बिल्कुल सॉलिड मार्क्स होते हैं, अगर आपने अच्छे से चीज़ों को समझ लिया। 5 नंबर का ट्रू फॉल्स आता है, इसलिए आप देख लेंगे कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, अगर आपने पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से उसका मतलब समझ लिया, और इसके बाद यहाँ पे जो आंसर्स दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं 10 नंबर के, इनको भी आप इजिली कर सकते हैं। मान लीजिए आपका ग्रामर वाला पार्ट थोड़ा सा कमजोर है, आप इंग्लिश में थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं हैं, आप वीक हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है। एक तो पैराग्राफ वाले पे आप अच्छे से फोकस करिए, और लास्ट में जो आपका ऐसे वाला पार्ट है उसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए, तो इजिली आपका पेपर निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद ग्रामर वाला पार्ट है, डूज डायरेक्टेड कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और उनको चेंज करना है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने में आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, इस इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, यानी कि नरेशन के ऊपर एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, वॉइस के ऊपर एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इसी तरह से यहाँ पे नो सूनर का प्रयोग है, यानी कंजंक्शन का प्रयोग है, ये देख लीजिए आप। इसी तरह से यहाँ पे एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, तो प्रीपोजिशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, आर्टिकल थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, जो बेसिक चीज़ें हैं ग्रामर इंग्लिश की उनको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, तो आपका जो ग्रामर वाला पार्ट है वो भी अच्छे से हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनको आपको करेक्ट करना है। तो जैसा मैंने आपको बोला कि अगर आप ये जो बेसिक चीज़ें हैं ग्रामर में, जैसे कि वॉइस का प्रयोग है, आर्टिकल का प्रयोग है, टेंस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, अगर आप ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो फिर आप इजिली इनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। जो ग्रामर वाला पार्ट है वो तभी आप कर पाएंगे जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो। और बेसिक क्या होता है, एक तो टेंस होता है, एक एक्टिव पैसिव वॉइस होता है,
फिर नरेशंस होता है, फिर वर्ब का प्रयोग है, कंजक्शन का प्रयोग है, आर्टिकल का प्रयोग है, यही कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर आपने इन चीज़ों को समझ रखा है तो फिर आप इजिली इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको दिक्कत जा रही है, ग्रामर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप दूसरी तरफ फोकस करिए। जैसे कि ये जो ऐसे वाला पार्ट है, 200 शब्दों में आपको ऐसे लिखना होता है, 10 नंबर का आता है। और ये जो टॉपिक हैं रिपीटेटिव नेचर के हैं, जैसे कि द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, व्हाई आई लाइक द प्लेस वेयर आई लिव, फिर है वॉकिंग इन द वेस्ट एक्सरसाइज, द इम्पोर्टेंस ऑफ बींग स्मार्टी ड्रेस्ड। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जनरल टाइप के हैं, और इन पर आप अपने से भी लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया है तो आप अपने से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं और एक क्वेश्चन पेपर और आपको बताऊंगा, तो आप जो तीनों क्वेश्चन पेपर को मिलाएंगे तो आपको लगेगा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके बाद डायलॉग राइटिंग का है। इसमें जैसा कि लास्ट में था, एक सिचुएशन दी हुई थी और यहाँ पे सिचुएशन देके सीधे लिख दिया। अर्जुन लिसंस टू म्यूजिक व्हाइल स्टडिंग, हिज मदर सेज दैट म्यूजिक डिस्टर्ब्ड एंड डज नॉट लेट वन कंसंट्रेट ऑन स्टडीज। तो ये इन्होंने एक सिचुएशन बता दी है और उस आधार पे आपको डायलॉग राइटिंग करना है, 10 मार्क्स का आता है। तो दो सिचुएशंस दी हैं, दो में से कोई एक ही करना होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब इन दोनों क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद काफ़ी आपको आइडिया हो गया होगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और पेपर आप देख लीजिए, जून 2018 का, अभी बता देता हूँ बहुत जल्दी से। तो ये भी 2 घंटे का पेपर, 50 नंबर का। सबसे पहले इसमें भी पैसेज दिया हुआ है, और पैसेज जैसे ही कंप्लीट होता है, दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं। एक तो आपको ट्रू फॉल्स बताना होता है, और दूसरा प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो ये ट्रू फॉल्स से संबंधित क्वेश्चन हैं, और जस्ट इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि पैसेज पे बेस्ड हैं। इसके बाद ग्रामर का पार्ट आता है, जिसमें से कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और उनको उसी हिसाब से आपको चेंज करना है जैसा कहा गया है, ठीक है। तो ये ग्रामर वाला पार्ट यहाँ पे था, और इसके बाद सेम फिर से यही सिचुएशन है, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनको करेक्ट करना है, उसमें कुछ इरर हो सकती है, और ये जो इरर है वो ग्रामर से संबंधित इरर होती हैं। इसके बाद 200 वर्ड में एक ऐसे लिखना है, कुछ यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है, द फिल्म दैट आई हैव वॉच्ड मोर देन वंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ ए हेल्दी डाइट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं इस तरह के पूछे जाते हैं, और लास्ट में दो सिचुएशन दी हुई हैं, उनमें से किसी एक पे आपको डायलॉग राइटिंग करना है। तो मैंने 3 क्वेश्चन पेपर आपको बता दिए, और आपको अब काफ़ी कुछ इसका पैटर्न समझ में आ गया होगा। जो लास्ट ये क्वेश्चन पेपर है, यही मैं बहुत जल्दी से आपको बता रहा हूँ, जून 2019 का है, बस आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि सेम यही पैटर्न रहता है। और ये जो वीडियो है, ये इन सभी बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जो BA, BCom, BSc, BTS, BCA कर रहे हैं, और जो नए वाले बच्चे हैं BA जी, BCom जी, BSc जी, उनका जो BE GLA 135 का पेपर है वो सेम इसी तरह से आएगा, यही पैटर्न है, तो वो लोग भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो हर बार की तरह एक एंसिन पैसेज का क्वेश्चन, एक पैसेज दिया हुआ है, और फिर देन उसके नीचे आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे, टाइटल देना है इस पैसेज का, और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई स्पेशलाइजेशन, यानी जो ऊपर पैसेज है उसी से संबंधित यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो जब आप पैसेज को अच्छी तरह से समझेंगे तो फिर आप आसानी से प्रश्नों को कर पाएंगे। दूसरे पार्ट में ट्रू और फाल से संबंधित क्वेश्चंस हैं, इसी पैसेज पे आधारित कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये सही हैं या गलत हैं। और फिर डू एज डायरेक्टेड ग्रामर वाला पार्ट है, जो जहाँ पे आपको ग्रामर पे आधारित कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको जैसा कहा जा रहा है उस तरह से इनको करना है, ठीक है। इसमें वर्ब भी है, वॉइस भी है, इसके बाद वेन का प्रयोग भी है, कई तरह का मिक्स यहाँ पे चीज़ें पूछी गई हैं, स्पेस से संबंधित क्वेश्चन है, 2 सेंटेंस में कंबाइन करना है, ठीक है। और फिर इसी तरह से नेक्स्ट जो पार्ट है, उसमें ग्रामेटिकल इरर के साथ कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उनको पढ़ करके आपको ठीक करना है। और लास्ट में हर बार की तरह एक ऐसे लिखना है, 200 वर्ड में एक पैराग्राफ लिखना है 200 वर्ड में, जिसमें कुछ टॉपिक दिए हैं, माई विजिट टू ए प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, फिर केयरिंग फॉर द डिसेबल्ड, रोल ऑफ यूथ इन इलेक्टिंग गवर्नमेंट दैट इज करप्शन फ्री, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन ए बिग सिटी। तो इस तरह से कुछ टॉपिक हैं, टॉपिक आपने देखा होगा कि थोड़ा बहुत बदलते रहते हैं, तो चेंज होता रहता है। और लास्ट में एक डायलॉग आपको लिखना है 200 वर्ड में, यहाँ पे सिचुएशंस दी हुई हैं, 2 सिचुएशंस दी हैं, 2 में से कोई एक करना है। तो निश्चित रूप से ये वीडियो देखने के बाद अब आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि जो एग्ज़ाम होता है FEG1/BEGF 101 फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश, या फिर जो अभी एग्ज़ाम होगा
BEGLA 135 इंग्लिश इन डेली लाइफ का, तो उसका क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा। तो ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य केवल ये था कि मैं आपको बता पाऊं कि इग्नू में जो एग्जाम्स होते हैं या FEG1/BEGF 10N यानी कि फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश या फिर इंग्लिश इन डेली लाइफ BEGLA 135 का, तो किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन पेपरों की मदद से, ओल्ड क्वेश्चन पेपरों की मदद से, ये तो आपको पता चल ही गया कि क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे कम फोकस करना है। तो ये सब देखने के बाद एक चीज़ यहाँ पे बस मैं लास्ट में आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप एक बार उसका रिविज़न कर लीजिए। अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, वीक है, तो अभी समय है, आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए। ग्रामर में क्या चीज़ पे आपको फोकस करना है, टेंस के बारे में थोड़ा पढ़िए, एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में पढ़िए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, थोड़ा बहुत आप जो वर्ब से संबंधित चीज़ें हैं उनको पढ़िए। और जब आप ये बुक पढ़ेंगे, जो नई वाली बुक है BEGLA 135, तो इसमें हर एक यूनिट में थोड़ा थोड़ा ग्रामर कवर किया गया है, कहीं पर वर्ब के बारे में बताया है, कहीं पर कंजंक्शन के बारे में, कहीं पर वॉइस के बारे में, कहीं पर टेंस के बारे में बताया है। तो थोड़ा थोड़ा भी आप अगर पढ़ लेंगे तो आपका काफ़ी जो पेपर की प्रिपरेशन है वो हो जाएगी। फिर जो यहाँ पे एकदम फिक्स नंबर है जिसमें आपको बहुत आसानी से गेन कर सकते हैं, तो पैराग्राफ का है, जो आपका एंसिन पैसेज आता है इससे संबंधित, एक तो आंसर्स लिखने के आते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर्स लिखने होते हैं, इसी पैराग्राफ पे आधारित होते हैं। ट्रू फॉल्स के आते हैं, वो भी आप इजिली कर लेंगे। और फिर जो डायलॉग राइटिंग का क्वेश्चन है वो भी आप तभी कर पाएंगे जब आपकी इंग्लिश पे थोड़ी पकड़ ठीक ठाक हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल ठीक हो, आपकी वोकैबुलरी ठीक हो, आप चीज़ों को समझ पाएं, तभी तो आप लिख पाएंगे, है ना। और इसी तरह से डायलॉग राइटिंग के अलावा एक और क्वेश्चन आता है, कुछ टॉपिक्स दे दिए जाते हैं और 200 वर्ड में आपको ऐसे लिखना होता है या पैराग्राफ लिखना होता है, तो वो भी आप तब कर पाएंगे जब आपका इंग्लिश पे थोड़ा सा पकड़ अच्छी हो, ग्रामर ठीक हो, अंडरस्टैंडिंग ठीक हो। तो ये 2-3 चीज़ें इसमें हैं, अगर आप इसको थोड़ा फोकस कर लेते हैं तो ये पेपर इजिली निकल जाता है। 50 नंबर का पेपर होता है और आपको 20 नंबर मिनिमम लेके आना होगा। वैसे BA प्रोग्राम में 35% मार्क्स है पासिंग का आउट ऑफ 100, तो यहाँ पे आप 17 से ऊपर यानी 18 मिनिमम पासिंग मार्क है, लेकिन आप 20 मिनिमम मान के चलिए, तो पेपर निकालने के लिए आपको 20 नंबर तो लेके आना ही है, है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको बता पाऊँ, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम लेंगे FEG2 और जो कि BEGLA 136 के लिए भी है, और जो बाकी विद्यार्थी हैं BA, BCom, BSc, BCA, BTS उनके लिए भी है, तो वो पेपर हम एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको कुछ मदद मिल सकती है आपके एग्जामिनेशन में, आपके स्टडी में, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।